नमस्कार स्टूडेंट्स, सोशल साइकोलॉजी पेपर सेकंड से आज हम डिटरमिनेंट्स ऑफ कन्फॉर्मिटी या अनुरूपता के निर्धारक तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, अनुरूपता का अर्थ होता है कि जो हमारा समाज है उसके अनुरूप व्यक्ति जो व्यवहार करता है, चाहे वह दबाव में आके करे या अपनी मर्जी से, तो समाज के रूढ़ियों, रीतियों, मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करना ही अनुरूपता या कन्फर्मिटी है। तो अनुरूपता या कन्फर्मिटी के निर्धारक तत्व कौन से हैं, इसका अध्ययन हम आज कर रहे हैं। अनुरूपता को प्रभावित करने वाले कारक, अनुरूपता में समूह दबाव का प्रभाव पड़ता है, अतः उन कारकों को जानना हमारे लिए आवश्यक है जिससे व्यक्ति में कभी अनुरूपता अधिक होती है या कभी कम पाई जाती है। प्रमुख समाज मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे निर्धारक तत्वों का पता लगाया है, अनुरूपता को प्रभावित करने वाले कारकों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है परिस्थिति जन्य या समूह संबंधी कारक, दूसरा है व्यक्तित्व संबंधी कारक और तीसरा है कार्य संबंधी कारक। तो जो पहला कारक है, परिस्थिति जन्य या समूह संबंधी कारक, इसमें समूह दबाव द्वारा व्यक्ति में उत्पन्न अनुरूपता समूह की विशेषताओं जैसे कि समूह का आकार, संरचना, सर्वसम्मति, सहमति की चरम सीमा, उच्च प्रतिष्ठता, समूह अनुक्रिया, कार्य का स्वरूप, मानक व सूचना संबंधी कारक प्रमुख है। इन सभी कारकों का, जो कि परिस्थिति या समूह संबंधी कारक हैं, इनका अध्ययन निम्न प्रकार है। समूह का कारक का आकार या साइज ऑफ द ग्रुप, यह पहला कारक है। अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि अगर समूह का आकार बड़ा है तो अनुरूपता अधिक होगी और अगर वह समूह छोटा है तो अनुरूपता कम होगी। अर्थात यदि व्यक्ति ने किसी समस्या के संबंध में कोई विचार दिया है और वह समूह के अधिकांश व्यक्ति उस व्यक्ति के विचार के विपरीत अपना विचार रखते हैं तो कुछ समय बाद वह व्यक्ति भी अपना विचार समूह के सभी सदस्यों के समान कर देता है। एश 1965 ने अपने अध्ययनों में पाया कि यदि एक व्यक्ति के मत का विरोध एक व्यक्ति ने किया तो अनुरूपता नहीं के बराबर होगी, परंतु यदि दो के बराबर होगी तो अनुरूपता कुछ अधिक, वह दो से अधिक व्यक्तियों में किया तो अनुरूपता और अधिक दिखाई देती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो अनुरूपता अधिक होगी और अगर ग्रुप छोटा है तो अनुरूपता क्या है, कम होगी। दूसरा है समूह की संरचना या कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रुप। अनुरूपता केवल समूह के आकार पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि समूह में किसी व्यक्ति के विचारों का विरोध करने वाले व्यक्ति कैसे हैं, क्या वे उस व्यक्ति से अधिक योग्य हैं या कम योग्य हैं, या उसके दोस्त या उसके अपरिचित हैं। अध्ययनों में पाया गया कि
अपने से योग्य व्यक्ति से अनुरूपता अधिक व अपने से कम योग्य व्यक्ति से अनुरूपता कम होगी। तो समूह रचना में यह बताया गया कि साइज, जैसे हमने पहले भी साइज के बारे में पढ़ा कि आकार से भी अनुरूपता पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार जो ग्रुप आपने बनाया है या जिस ग्रुप में आप हैं उसमें जो व्यक्ति है उन वह किस प्रकार के व्यक्ति हैं इसका भी अनुरूपता पर प्रभाव पड़ता है। और अध्ययनों में ये बताया गया कि योग्य व्यक्ति के अनुरूप अगर ग्रुप होगा तो अनुरूपता अधिक होगी और अगर योग्य व्यक्ति नहीं होगा तो अनुरूपता कम होगी। समूह की एकमतता या यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रुप, अनुरूपता इस बात पर भी निर्भर करती है कि समूह में कितने लोगों ने किसी व्यक्ति के मत का विरोध किया है, तो अनुरूपता अधिक होगी क्योंकि जिस व्यक्ति के मतों का विरोध हुआ है वह व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों को त्याग कर समूह के विचारों को अपनाना होगा। यूनिफॉर्मिटी या एकरूपता से इन्होंने ये बताया है कि समूह में अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट या उसके मतों के अगेंस्ट विरोध अधिक लोगों ने किया है तो वह व्यक्ति जिसके विचारों का विरोध किया जा रहा है वह अपने विरोध को त्याग कर जितने लोग उसका विरोध कर रहे हैं उन्हीं विचारों को वह अपनाएगा। समूह समिति की चरम सीमा, एक्सट्रीमनेस ऑफ ग्रुप कॉन्शियस, अनुरूप समूह की किसी समस्या पर सहमति और व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई सहमति के बीच अंतर होता है। एक ग्रुप जो या एक समूह जो समस्या पर सहमति दे रहा है और एक जो व्यक्ति अकेला इंडिविजुअल अपना सहमति दे रहा है उसमें अंतर होता है, इस बात पर भी निर्भर करती है अनुरूपता। यदि अंतर जटिल व अधिक है तो अनुरूपता कम व अंतर थोड़ा बहुत है तो अनुरूपता अधिक पाई जाएगी। यदि अंतर जो है वह अधिक है तो अनुरूपता कम होगी और यदि अंतर समूह में बहुत बड़ा है तो अनुरूपता अधिक पाई जाएगी। समूह सशक्त, कोहेसिवनेस ऑफ ग्रुप, समूह सशक्तता अनुरूपता में अधिक दिखाई देती है। सशक्त समूह में अनुरूपता अधिक दिखाई देती है, इसके विपरीत यदि समूह में सशक्तता कम होगी तो अनुरूपता कम पाई जाती है। और ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति है उसे अपने निर्णय को समूह दबाव में आकर बदलना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो कारक है वह है उच्च प्रतिष्ठा या हाई स्टेटस, अनुरूपता पर अन्य व्यक्तियों की सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा अधिक है तो उसका अनुसरण प्रयोज्य या व्यक्ति अधिक करेगा। जैसा आपका स्टेटस होगा, अगर हाई स्टेटस है तो उसका अनुसरण व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा और निम्न सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति के दबाव का अनुसरण प्रयोज्य या व्यक्ति द्वारा कम किया जाता है। समूह अनुक्रिया या ग्रुप रिस्पॉन्स, अनुरूपता के संबंध में एक प्रश्न यह भी उठता है कि व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्र अनुक्रिया में अनुरूपता अधिक दिखाता है या समूह के साथ मिलकर अनुक्रिया करने में अधिक अनुरूपता दिखाता है। जैसा आपका समूह होगा या जैसा कि आपका समूह अनुक्रिया कर रहा है उसी प्रकार से व्यक्ति भी अनुक्रिया करेगा, तो यहाँ पर अनुरूपता अधिक होगी अनुक्रिया के आधार पर। काम का स्वरूप, नेचर ऑफ टास्क, व्यक्ति से अनुक्रिया चाहे व्यक्तिगत लें या सामूहिक, अनुरूपता पर काम के स्वरूप का प्रभाव भी पड़ता है।
यदि समस्या जटिल व अस्पष्ट होगी तो व्यक्ति अपने निर्णय को समूह के निर्णय के अनुरूप जल्दी जल्दी बदल देता है। यदि समस्या सरल व स्पष्ट होगी तो अनुरूपता कम होगी। तो विद्यार्थियों, इसमें अनुरूपता का काम के स्वरूप से क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें ये बताया गया है। इन्होंने ये कहा है कि यदि समस्या जटिल होती है तो अनुरूपता अधिक होती है, और अगर समस्या सरल होगी तो अनुरूपता कम होगी। नेक्स्ट फैक्टर है मानक व सूचना संबंधी सामाजिक प्रभाव। अनुरूपता पर सामाजिक प्रभाव दो प्रकार से पड़ सकता है। पहला, मानक संबंधी अर्थात प्रयोग समूह से प्रशंसा, सहानुभूति व अनुमोदन प्राप्त करने व निंदा तथा अस्वीकारता से बचने के लिए समूह के विचारों को स्वीकार कर लेना। यदि आपको प्रशंसा या सहानुभूति मिलती है तो आप ग्रुप के अनुरूप ही कार्य करेंगे, तो यह यहाँ पर अनुरूपता अधिक होगी। दूसरा जो कारक है वह है सूचना संबंधी अर्थात समूह से प्राप्त होने वाली सूचना को महत्वपूर्ण मानते हुए भी व्यक्ति समूह की इच्छा अनुसार अपने विचारों को बदल देता है। जिस प्रकार की आपको ग्रुप से या समूह से सूचना मिलती है उसके अनुरूप ही व्यक्ति अपनी विचारों को बदल देता है। तो ये दोनों कारक मानक व सूचना संबंधी सामाजिक प्रभाव भी कन्फर्मिटी या अनुरूपता पर प्रभाव डालते हैं। ये जो कारक हमने पढ़े वे सारे कारक परिस्थिति या समूह संबंधी कारक थे। दूसरा कारक जो इसमें है वह है व्यक्ति संबंधी कारक या पर्सनालिटी रिलेटेड फैक्टर्स। व्यक्ति संबंधी कारक जो है वह निम्न प्रकार हैं। पहला है आत्मसम्मान और क्षमता, सेल्फ एस्टीम एंड कॉम्पिटेंस। कुछ व्यक्तियों में आत्मसम्मान व क्षमता का गुण अधिक होता है और कुछ में नहीं होता है। जिन व्यक्तियों में आत्मसम्मान व समानता का गुण, सक्षमता का गुण अधिक होता है, उन व्यक्तियों को अपने पर अधिक विश्वास होता है और वह किसी विषय पर स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर अनुरूपता कम देखी जाती है, जबकि जिसमें आत्मसम्मान व सक्षमता की कमी होती है वह दूसरों के समर्थन से अधिक उम्मीद करते हैं और वह समूह दबाव के कारण अनुरूपता कम पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, आपने इसमें देखा कि जिसमें आत्मसम्मान और सक्षमता अधिक होगी वहाँ पर अनुरूपता कम पाई जाती है, क्योंकि वह अपने आप पर कॉन्फिडेंट होकर खुद डिसीजन लेते हैं, और जहाँ पर आत्मसम्मान वह सक्षमता कम होती है वहाँ पर अनुरूपता कम पाई जाती है। दूसरा जो पर्सनैलिटी फैक्टर्स है वह है लिंग भेद या सेक्स डिफरेंस। ईगली और कार्ली ने अपने अध्ययनों से यह स्पष्ट किया कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अनुरूपता अधिक पाई जाती है, तो जो फीमेल्स हैं उनमें कन्फर्मिटी अधिक पाई जाती है एज कंपेयर टू मेल्स। नेक्स्ट फैक्टर है प्रशंसा प्राप्त करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू एप्रिशिएट। उन लोगों में भी अनुरूपता अधिक दिखाई देती है जिनमें व्यक्तियों में दूसरों से प्रशंसा पाने की इच्छा अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति यह अच्छे से जानते हैं कि समूह को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका समूह की हाँ में हाँ मिलाना होता है। तो समूह रूप अनुरूपता अधिक उन्हीं में दिखाई देती है जिन व्यक्तियों में प्रशंसा प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट फैक्टर है आकर्षण या अट्रैक्शन। किसी समूह के प्रति व्यक्ति का आकर्षण जितना अधिक होगा अनुरूपता उतनी ही अधिक होगी।
तो विद्यार्थियों, जहाँ पर आपका अट्रैक्शन अधिक होगा उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुरूप ही आप कार्य करना चाहेंगे, तो यहाँ पर अनुरूपता क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट फैक्टर है संवेगात्मक उत्तेजना या इमोशनल अराउजल। प्रयोज्य में उस समय तनाव उत्पन्न हो जाता है जब उसे अपने स्वयं के विचारों व समूह के विचारों में अंतर करना होता है। प्रयोज्य या व्यक्ति इस तनाव की स्थिति से मुक्ति पाना चाहता है, जिसके लिए वह समूह के निर्णय के अनुसार अपने निर्णय को बदलने का प्रयास करता है। तो इस तनाव से बचने के लिए, जो कि अपने विचारों और दूसरों के विचार जो हैं, ग्रुप के विचार जो हैं, यदि उसमें अंतर होता है तो व्यक्ति अपने आप को ग्रुप के अकॉर्डिंग ही या ग्रुप के अनुरूप ही अपने विचारों को कर लेता है। नेक्स्ट फैक्टर है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। व्यक्ति को दिए जाने वाले पुरस्कार व दंड के अनुरूप प्रभावित होती है, अनुरूपता भी इसके अनुरूप ही प्रभावित होती है। एडलर ने 1965 में एक प्रयोगात्मक अध्ययन किया, जिसमें प्रयोज्य को प्रयोगकर्ता द्वारा समूह के गलत निर्णय पर सहमति देने के लिए पुरस्कार दिया गया तथा कुछ प्रयोज्य को समूह के निर्णय में असहमत होने पर पुरस्कार या परिणाम दिया गया। और यह देखा गया कि परिणामों में देखा गया कि प्रयोज्य को गलत निर्णय पर सहमत होने पर पुरस्कार दिया, उसके उनके अनुरूपता कम पाई गई। और यही हम दिन प्रतिदिन जीवन में भी देखते हैं कि यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति के मतों और विचारों के प्रति अनुरूपता दिखाते हैं तो वह हमें पसंद करते हैं, और यह हमारे लिए पुनर्बलन या रिइंफोर्समेंट का काम करता है। लास्ट फैक्टर जो है वह है काम संबंधी कारक या टास्क रिलेटेड फैक्टर। अनेक प्रयोगात्मक अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि काम या जो टास्क या जो आपको वर्क दिया जाता है उस पर भी अनुरूपता का प्रभाव पड़ता है। ब्लैक, हेल्सन और म्यूटॉन ने 1956 में अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों में देखा कि प्रयोज्य की अनुरूपता कठिन व अस्पष्ट काम के प्रति अधिक पाई जाती है, जबकि स्पष्ट काम के प्रति अनुरूपता कम पाई जाती है। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि यदि काम या जो कार्य है वह कठिन होगा या हार्ड होगा या अस्पष्ट होगा तो अनुरूपता जो है वह कम होगी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आपने आज अनुरूपता के निर्धारकों का अध्ययन किया कि अनुरूपता के कौन से निर्धारक तत्व है जो उसे प्रभावित करते हैं, जिसमें हमने तीन कारकों का अध्ययन किया। पहला था समूह संबंधी या परिस्थितिजन्य कारक, दूसरा था व्यक्तित्व संबंधी कारक और लास्ट था काम संबंधी या टास्क रिलेटेड फैक्टर्स। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को ध्यान से देखने व सुनने के लिए धन्यवाद।